हेलो गाइज, दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने लिनक्स इंजेक्शन के रिव्यू को लेकर आया हूँ। दोस्तों आज मैं आप सभी को लिनक्स इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। हम इस इंजेक्शन कौन से कंडीशन में हम यूज में लाते हैं और इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है क्या होता है और इसको लेने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों लिनक्स इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए मेरे वीडियो के अंत तक लगे रहिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये आपके सामने लिनक्स इंजेक्शन है। तो पहले दोस्तों हम लिनक्स इंजेक्शन के प्राइस की ओर गौर करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लिनक्स इंजेक्शन का जो प्राइस है ₹17 है पर एम्ब्यूल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटली 5 एम्ब्यूल्स रहते हैं। दोस्तों अभी हम जानेंगे लिनक्स इंजेक्शन के कंपोजिशन के बारे में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिनक्स इंजेक्शन के जो कंपोजिशन है इसके ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, जिसका कंपोजिशन है लिंकोमाइसिन हाइड्रोक्लोराइड, जो है यहाँ पे इक्विवेलेंट टू लिंकोमाइसिन 300 mg, और यहाँ पे जो बेंजेल अल्कोहल है 9 mg, वाटर फॉर इंजेक्शन क्वान्टिटी सफिशेंट्स। तो दोस्तों लिनक्स इंजेक्शन जो है 2 ml के एम्ब्यूल में आप 300 mg का लिंकोमाइसिन हाइड्रोक्लोराइड पा सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम जानेंगे लिंकोमाइसिन जो हाइड्रोक्लोराइड है इसका यूजेस क्या है। दोस्तों ज़्यादातर लिंकोमाइसिन जो इंजेक्शन है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज में लाया जाता है, जैसे कि सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आपके बॉडी में कहीं भी अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि मान लीजिए आपको वोंड इन्फेक्शन हुआ है पैर या हाथ में, जिधर भी मोच आ गया है, या अंदर कुछ मोच आने के कारण अंदर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है ब्लड में, तो आप ये यूज में ला सकते हैं। अगर आपको घाव हो गया है और वो सूख नहीं रहा है तो आप इसको इजीली यूज में ला सकते हैं। अगर आपके थोरेट में इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसके कारण आपके थोरेट पेन हो रहा है, तो दोस्तों उस टाइम आप लिंकोमाइसिन इंजेक्शन को प्रयोग में ला सकते हैं। अगर आपके ईयर इनसाइड कान के अंदर अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरियल, तो आप इजीली इसको यूज में ला सकते हैं। आपके फेफड़े जो है लंग्स के अंदर अगर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए हैं, तो दोस्तों वहाँ पे भी लिंकोमाइसिन इंजेक्शन को यूज में लिया जाता है, और इसका जो रिजल्ट है दोस्तों बहुत अच्छा देखा गया है। एक बात है दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग ये लिंकोमाइसिन इंजेक्शन आप लेने से पहले ज़रूर आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। बिना डॉक्टर के परामर्श आप खुद इसको प्रयोग में ना लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है बहुत बुरा होता है। क्योंकि आप किसी भी इंजेक्शन लेने से पहले आप डॉक्टर या एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है फील्ड में है वो लोग अच्छे जानकारियाँ रखते हैं दोस्तों, तो डॉक्टर या एनी मेडिकल स्टाफ के सुपरविज़न में ही दोस्तों आप ये इंजेक्शन पेशेंट को लगा सकते हैं। आप खुद इसको कभी भी ना लगाएं, क्योंकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है बहुत हैवी होता है दोस्तों, इसीलिए आप इसको प्रयोग में ना लीजिए। खुद लेने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है 2 ml का एम्ब्यूल आता है, इसमें लिखा है देखिए दोस्तों फॉर इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस यूज। आप इसको मसल्स के थ्रू मस्कुलर में भी दे सकते हैं और वेन के थ्रू भी आप दे सकते हैं। वेन तो दोस्तों ये आप डायरेक्ट दे नहीं सकते, आप इसको अगर आप कुछ NS या कुछ D मतलब हमारे जो नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन है वहाँ पे आप डाल के आप इसको यूज में ला सकते हैं दोस्तों। और ये एक बात मैं बोलना चाहूँगा, लिनक्स जो इंजेक्शन है ये बच्चों के लिए नहीं है, आप बच्चों को नहीं दे सकते, आप खुद ना दे सकते हैं तो खुद नहीं दे सकते हैं दोस्तों। आप ये अगर आप डॉक्टर कुछ प्रेस्क्राइब करते हैं तो डोज एंड ड्यूरेशन जो है ये डॉक्टर तय करके बच्चों में भी प्रयोग में ला सकते हैं दोस्तों। और इसका जो मैं बोलूँगा आप इसको कैसे लेना है, इसका जो डोजेस होता है ये दिन में 1 एम्ब्यूल्स लेना है दोस्तों आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, और ये 5 दिन 5 2 एम्ब्यूल्स लेना है दोस्तों सीनियर के लिए, मतलब एडल्ट डोज है ये। तो ये ऐसा नहीं है कि आप ये एम्ब्यूल्स मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही ले लीजिए, आप डॉक्टर इसके आपको प्रॉब्लम्स के मुताबिक आप ये जो डोज है ड्यूरेशन भी आप बढ़ा कर दे सकते हैं डॉक्टर। तो दोस्तों आप इसको इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन ना लीजिए और बच्चों से ही दूर रखिए दोस्तों। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, और जो इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है दोस्तों लिनक्स इंजेक्शन का, ये जो है अगर आप इंजेक्शन दे रहे हैं तो वो उस प्रॉब्लम हो सकते हैं जो कि है सर चकराना, सर पे दर्द हो जाना, और आपको
स्वेटिंग होना, घबराहट होना, पेट में दर्द और डायरिया हो सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे सब साइड इफ़ेक्ट यहाँ का होते हैं, इसीलिए इसको मेडिकल सुपरविज़न में दिया जाता है। दोस्तों सेल्फ मेडिकेशन कभी भी ना लीजिए, मैं ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन लेने से इंजेक्शन हो या दवाई जानलेवा हो सकता है। इसीलिए आप बिना डॉक्टर के परामर्श किसी भी इंजेक्शन को प्रयोग में ना लीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, मैं ऐसे न्यू न्यू वीडियो डालता रहूँगा आपके जानकारी के लिए। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके दोस्तों में भी आप ये शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वो लोग भी ये इंजेक्शन या दवाई के बारे में जितने भी मैं अपलोड करता हूँ वो सब के जानकारी वो लोग पा सकें। तो दोस्तों आपके मन में अगर कुछ डाउट्स होता है तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आप लोगों का डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।